डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 1 द लेजी फ्रॉग का की एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड फर्स्ट हेडिंग इज लेट्स रीड। एंड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे, कि जो फ्रॉग है वो पूरा दिन क्या करता था, पूरा दिन सोता था और क्या करता था, लेजी था वो, इसलिए ही स्लैप्ड ऑल डे, वो पूरा दिन सोता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स लेजी होने के अलावा व्हाट अदर वर्ड्स कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग, कि लेजी के अलावा और कौन से वर्ड्स आप सोच सकते हो उस फ्रॉग को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, मतलब उसकी क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ नहीं है, वैसे ये अच्छी नहीं है, उसके अंदर क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ हैं, लेकिन अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम उसके अंदर क्या क्या हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हैं उस फ्रॉग को, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना, ये हम कर चुके हैं वैसे। ओके, अब क्या क्या कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको डिस्क्राइब करेंगी। अब देखो क्या था वो, पोलाइट नहीं था, है ना, रूड था वो अपनी मदर के प्रति, अच्छे से नहीं बोलता था जब उसकी मदर उसको बुलाती थी। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ड हम रूड यूज़ कर सकते हैं या फिर इम्पोलाइट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वो क्या करता था, कोई भी काम को नहीं करता था, ना लाइक नहीं करता था काम करना, क्या करता था, अवॉइड करता था वो किसी भी काम को करने से, और अवॉइड करने को हम क्या कहते हैं, सर्क, SHIRK, शर्क करता था, मतलब वो सर्कर था एक तरह से, ये भी कह सकते हैं हम। तो हम ये दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो रूड था वो, या इम्पोलाइट भी कह सकते हैं उसी वर्ड को, रूड और इम्पोलाइट तो एक ही बात है। ठीक है, तो या तो रूड यूज़ करेंगे या इम्पोलाइट यूज़ करेंगे उसकी जगह, और एक दूसरा वर्ड क्या यूज़ करेंगे, सर्कर था वो। ठीक है, तो ये दो हम लिख सकते हैं, इम्पोलाइट लिख लीजिए या फिर रूड भी लिख सकते हैं इसी वर्ड को हम, रूड था वो। ठीक है, और प्राउडी भी था वैसे, वो घमंडी भी था देखा जाए तो, प्राउडी भी था, इम्पोलाइट था, सर्कर था और प्राउडी भी था, कि कोई भी अगर लेडी फ्रॉग उसके पास से जाती है तो भी वो उठता नहीं था, अपनी आंखें नहीं खोलता था ना, और उसकी मदर भी अगर उसको बुलाती थी तो भी वो उठकर नहीं जाता था, तो एक प्राउडी था वो, घमंडी था। ठीक है, उसके बाद देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद रेफरेंस टू द पोयम। पोयम में जैसे दे रखा है उसके हिसाब से हमें ये सेंटेंस पूरा करना है, पोयम को ध्यान में रखते हुए। व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम, जब फ्रॉग की मदर उसको बुलाती थी, ठीक है, ही प्रिटेंटेड टू, अब वो क्या बहाना बनाता था, मतलब ऐसा दिखावा करता था कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है ना, ऐसा दिखावा करता था, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कि क्या दिखावा करता था वो, टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, है ना, टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब डीफ, ऐसा दिखावा करता था कि वो डीफ है, बहरा है, मतलब ऐसे दिखावा करता था। ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग, इसके अंदर ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, When a lady frog hops by, जब एक लेडी फ्रॉग उसके पास से जंप करती हुई जाती थी, ही डज नॉट इवन, तब भी वो क्या नहीं करता था, अपनी एक भी आंख नहीं खोलता था, इवन ओपन वन आई, एक भी आंख नहीं खोलता था वो, इवन ओपन वन आई, ठीक है, When a lady frog hops by, he does not even open वन आई, एक भी आंख नहीं खोलता था वो, ठीक है, मतलब उठता नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, क्या आपको जो फ्रॉग का बिहेवियर था वो पसंद आया, नहीं, नो आई डिडेंट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर किसी को भी शायद पसंद आए, किसी को भी पसंद नहीं आएगा, सो इसलिए लेजी होना एक अच्छी बात नहीं है, अगर हम लेजी होंगे तो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, सो आई डिडेंट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, ठीक है, तो मुझे फ्रॉग का बिहेवियर पसंद नहीं आया। लेट्स राइट में क्या है, देखिए लेट्स राइट में हमें क्या गिवन है, देखो पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे,
लेट्स राइट, रिफर टू द पोयम, पोयम को रेफर करो, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए. एंड अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड करो. द फ्रॉग लव टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल डे. जो फ्रॉग है उसको क्या पसंद था? लेज मतलब आराम करना, मतलब लेजी रहना. एंड लाई अराउंड ऑल डे और पड़े रहना, ठीक है, पूरा दिन. ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल. उसको कोई भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है. नाउ मेक टू सेंटेंसेस अबाउट यूअर सेल्फ. अब अपने बारे में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ये जो नीचे दिए गए लाइन्स हैं इनमें, ठीक है. राइट अबाउट द पीपल यू लाइक. उन लोगों के बारे में लिख सकते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है. एक गेम यू प्ले, जो गेम तुम खेलते हो उसके बारे में लिख सकते हो यहाँ पे. एक हॉबी लिख सकते हो. ए हैबिट लिख सकते हो, यू हैव, जो हैबिट आपकी हो. यू मे यूज द फॉलोइंग क्ल्यूज. इन क्ल्यू का, जैसे आई लव, आई लाइक, ये क्ल्यू दिए गए हैं, इनका आप यूज करके लिख सकते हैं. जैसे क्या? आई लव प्लेइंग, आई लव टू वॉच टीवी, ठीक है. या आई लव दोज पर्सन हु आर हेल्पिंग इन नेचर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो. मतलब अपनी हिसाब से यहाँ लिखना है, ठीक है. आई लव, मतलब यहाँ आप कुछ भी काम करना भी लिख सकते हैं. आई लव टू प्ले लिख सकते हैं, ठीक है. आई लव टू स्टडी, या फिर आई लव टू प्ले गेम. आई लव टू दोज पर्सन या दोज पीपल, ठीक है, उनके बारे में लिख सकते हैं. जो इनका नेचर कैसा हो, उनको आप पसंद करते हैं, ठीक है. तो कुछ भी लिख सकते हैं आप. उसके बाद आई लाइक, आई लाइक, मुझे क्या खेलना पसंद है, ये भी लिख सकते हैं. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है. आई लाइक कुछ भी. आई लाइक टू गो टू, मतलब घूमने जाना भी कर सकते हैं. कुछ भी लिख सकते हैं अब, अपनी मर्जी का लिखना है आपको यहाँ पे. आई डोंट माइंड. अब देखो आपको मैं किसको, मतलब डोंट माइंड का मतलब ऐसा काम कुछ कि जिसको आप माइंड नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं देखेंगे कि वो छोटा काम है या बड़ा है, ठीक है, उसको कर सकते हैं. जैसे आई डोंट माइंड डूइंग माई वर्क, भी मैं अपना काम करने में शर्म नहीं करती हूँ, ठीक है. डोंट माइंड का मतलब शर्म करने से ही है. आई डोंट लाइक, अब मैं किसी चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ. यहाँ पे आप लोगों के बारे में लिख सकते हो कि आई डोंट लाइक दोज पर्सन हु आर एरोगेंट, जो घमंडी होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, ये लिख सकते हैं. या फिर आई डोंट लाइक, जो आपको, या हो सकता है कोई खाना पसंद नहीं हो वो भी लिख सकते हैं. कोई हैबिट लिख सकते हैं जो आपको पसंद नहीं हो, ठीक है. आई डोंट लाइक दोज पर्सन हु आर लेजी, ठीक है. आई हेट, और हेट मतलब नफरत किससे करते हो आप, ठीक है. जैसे आई हेट टेलिंग लाइज, ठीक है. या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपको काम पसंद नहीं हो, वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है. एंड ट्राई एंड फाइंड आउट द सेम फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स आल्सो. ये चीज़ें आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी पूछ सकते हैं कि उनको क्या क्या पसंद है, क्या लाइक है, क्या नहीं पसंद करते हैं वो, किस चीज़ से हेट करते हैं, उनके बारे में भी लिख सकते हैं. और अपने बारे में लिखना है ये खुद करना है, ठीक है. वैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए भी हैं, उनको भी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं. से अलाउड, एड वन मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू. लॉग फ्रॉग डॉग, ऐसे ही आपको लिखने हैं. शर्क वर्क क्या आ जाएगा, जर्क आ जाएगा, जर्क लिख सकते हैं आप. वेन डेन रेन, ठीक है, पेन भी लिख सकते हैं. प्रेफरिंग हियरिंग, टियरिंग, शियरिंग, शेयरिंग भी लिख सकते हैं. एस एच ई ए आर आई एन जी होती है उसकी स्पेलिंग. हीप, कीप, बीप या लीप, डीप, डीप भी आ सकता है यहाँ पे. पास्ट, लास्ट, कास्ट, ठीक है. वे, से, रे, मे, हे, ये हो सकते हैं. वट काइंड ऑफ वर्ड्स आर दीज, किस तरह के वर्ड्स हैं ये, क्या बोलते हैं हम इनको, राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है. किस तरह के वर्ड्स हैं ये, दीज आर राइमिंग वर्ड्स, ठीक है. इसी के साथ ये चैप्टर भी ओवर हो गया, फिनिश हो गया है, ठीक है. चैप्टर इज ओवर नाउ, द लेजी फ्रॉग इज ओवर नाउ. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. हैव ए नाइस डे.